नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 9 सितंबर। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची 1,50,000 के पार। बिहार में कोविड-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में 1,667 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या 1,50,694 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 119, अरवल में 21, औरंगाबाद में 38, बांका में 12, बेगूसराय में 42, भागलपुर में 96, भोजपुर में 20, बक्सर में 34, दरभंगा में 27, पूर्वी चंपारण में 68, गया में 37, गोपालगंज में 57, जमुई में 16, जहानाबाद में 41, कैमूर में 9, कटिहार में 42, खगड़िया में 16, किशनगंज में 33, लखीसराय में 36, मधेपुरा में 53, मधुबनी में 24, मुंगेर में 20, मुजफ्फरपुर में 65, नालंदा में 38, नवादा में 23, पटना में 208, पूर्णिया में 129, रोहतास में 19, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 37, सारण में 37, शेखपुरा में 25, शिवहर में 7, सीतामढ़ी में 30, सिवान में 34, सुपौल में 35, वैशाली में 31, पश्चिम चंपारण में 62। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 1,34,089 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 765 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 61 एजेंडों पर लगाई गई मुहर। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित करवाए गए कैबिनेट बैठक में कुल मिलाकर 61 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है, जिसके तहत आरा में नया मेडिकल कॉलेज बनाने को लेकर कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जान गंवाने वाले सैनिक के परिजनों को नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है। 9,500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की खर्च करने पर मंजूरी दे दी गई है। कोरोना का मुकाबला करने के लिए 453 करोड़ की राशि स्वीकृत कर दी गई है। वहीं SAP के जवान का सेवा विस्तार अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। बालूघाटों की बंदोबस्ती को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356 पदों पर सृजन, 100 MBBS पोस्ट का सृजन। पारा मेडिकल कॉलेज में 1235 नए पदों का सृजन। पावापुरी नालंदा मेडिकल कॉलेज में 540 नए पदों का सृजन। बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पदों का सृजन को मंजूरी दे दी गई है। बिहार कला पुरस्कार से नवाजे गए राज्य के 37 कलाकार। बीते दिन बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग की तरफ से बिहार कला पुरस्कार योजना के अंतर्गत साल 2018-19 और 2019-20 के लिए 37 कलाकारों की सूची जारी कर दी गई है। विभाग के मंत्री प्रमोद कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूची जारी कर दी है और इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शन और चक्षुष कला के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर चुके कलाकारों का सम्मिलित करने दिया गया है। इसके साथ ही 2 साल के बिहार कला पुरस्कार का आयोजन नहीं किया गया था, जिसके बाद बीते दिन दोनों साल के कुल 37 कलाकारों के नाम की सूची जारी कर दी गई है। विभाग की तरफ से इन कलाकारों को सम्मान राशि के साथ स्मृति चिन्ह, मोमेंटो, प्रमाण पत्र और साथ ही अंगवस्त्र प्रदान किया गया है। साथ ही सभी कलाकारों को सम्मानित भी किया गया है। आपको बता दें, साल 2011 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश कला के विभिन्न विद्याओं में 24 कलाकारों को सम्मानित किया गया था, लेकिन पिछले 2 साल में इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। वहीं इस साल कुल मिलाकर 37 कलाकारों को विभाग की तरफ से सम्मानित किया गया है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ NCB के द्वारा उठाए गए कदम पर DGP गुप्तेश्वर पांडे ने दी अपनी प्रतिक्रिया। सुशांत सिंह राजपूत मामले में संदिग्ध मानी जा रही रिया चक्रवर्ती को NCB की टीम ने बीते दिन सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वहीं NCB की टीम के इस कदम पर बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि आगे देखते रहिए, कुछ और अहम बातों का खुलासा भी होगा। उन्होंने कहा कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उठाया गया कदम से खुश या नाखुश होने का मेरा कोई व्यक्तिगत कारण नहीं है, मैं बस ये चाहता हूं कि सच सामने आए। सुशांत ने जिस तरीके से अपनी जान ली है वो रहस्य है, उनके ऊपर पर्दा उठ जाए यही चीज है, बस पहला कदम है। बिहार के कई जिलों में आंधी गरज और बारिश की जताई गई संभावना। बिहार के कई जिलों में बीते दिन झमाझम बारिश देखने को मिली, जिसके बाद मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों में दूसरे जिलों में भी ऐसा ही मौसम देखने को मिलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के कई जिलों में आंधी गरज के साथ बारिश की संभावना भी जताई गई है, जिसमें पटना, वैशाली, सिवान, सारण, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और रोहतास जिले का नाम शामिल है। इसके साथ ही सूबे के कई अन्य जिलों में भी 48 घंटे से 72 घंटे तक हल्की और मध्यम बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को राजगीर मॉडल अपनाने का जारी किया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जल जीवन हरियाली मुहिम की समीक्षा बैठक की है, जिसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान की सूचना प्रबंधन प्रणाली एवं मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया है। वहीं उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि सार्वजनिक
कुओं की मरम्मत का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाए। सार्वजनिक चापाकल हर हाल में चालू रहे, इसके मेंटेनेंस को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लगातार काम कर रहे हैं। चापाकल एवं कुओं के किनारे सोखता का निर्माण करने का आदेश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राजगीर मॉडल अपनाने का निर्देश भी दे दिया है। अब मुखिया जी के हाथों नहीं काटा जाएगा चेक, पंचायतों में मुखिया किसी योजना के लिए चेक काट नहीं पाएंगे। इसका भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पंचायतों के हाथ से सरकार ने इस ताकत को छीन ली है, जिसके तहत अब सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी किया है। अब मुखिया PFMS के माध्यम से भुगतान करना होगा, जिसके तहत प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पूर्व में पंचायतों में सरकारी योजना में काम करने पर मुखिया संबंधित एजेंसियों को चेक से राशि भुगतान करते थे। भाजपा का नया मैनिफेस्टो बनेगा जन भागीदारी में। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा अपना मैनिफेस्टो जनता की भागीदारी से बनाने को तैयार है। इसके साथ ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता जनता से संवाद करके उनकी मांग को जानेंगे और पार्टी उसका अध्ययन करेगी। मिली जानकारी के अनुसार भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के एजेंडे को मूर्त रूप देने के लिए मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के नेतृत्व में करवाई गई थी। बैठक में आत्मनिर्भर बिहार की संकल्पना पर चर्चा में यह तय किया गया है कि भाजपा अपनी नीतियों और कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में अगले 5 साल में आत्मनिर्भर बनाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे ऋचा सोनी की। ऋचा सोनी एक भारतीय टीवी अभिनेत्री है, जिनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था, जिन्होंने शरारत सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई बिहार से ही पूरी की थी। हालांकि उच्च शिक्षा लेने के लिए वो मुंबई रवाना हो गई थी, जहां उन्हें अभिनय दिखाने का बखूबी मौका मिला था, जिसके तहत उन्हें भाग्य विधाता में बिंदिया के किरदार में खूब पहचान दिलाई थी। इतना ही नहीं, वो नचले विद सरोज खान सीजन 2, बदलते रिश्तों की दास्तान, जाट की जुगनी, सिया के राम जैसे सीरियल में भी नजर आ चुकी हैं। बिहार में DSP का हुआ तबादला, पुलिस महकमे में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। गृह विभाग की तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार DSP रैंक के अधिकारियों का एक बार फिर से तबादला किया गया है। बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी रवीश कुमार को ATS का SP बनाया गया है, जिसकी अधिसूचना बिहार गृह विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार जिले के शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रवीश कुमार को ATS का नया अपर पुलिस अधीक्षक नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा रविन्द्र भारती को शेरघाटी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बनाया गया है। मुकेश सहनी ने राजनीति में अनिश्चितता को माना अहम। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव का आयोजन करवाया जाना है, वहीं छोटे छोटे दल गठबंधन के बड़े दल और अधिक सीट के लिए लगातार जदोजहद करते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनके पास रोज कई सारे दलों से गठबंधन के ऑफर आते रहते हैं और राजनीति में कल क्या होगा और कौन किसके साथ रहेगा यह कोई नहीं बता सकता। वहीं सरकार को निशाने पर लेते हुए SC ST वर्ग के परिवार में जान गंवाने वाले परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है। नहीं रही दरभंगा राजघराने की आखिरी बहू। दरभंगा राजघराने की आखिरी बहू राजकिशोरी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। 85 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। वो पिछले लंबे समय से बीमार चल रही थी, वहीं उनके गुजरने की खबर सुनकर पूरे मिथिला में शोक की लहर है। आपको बता दें, युवराज जावेश्वर सिंह की पत्नी राजकिशोरी ने दरभंगा के लहरिया सराय के बलभद्रपुर मोहल्ले स्थित आवास पर अंतिम सांस ली है। वो इस आवास में अकेली रहती थी। रानी राजकिशोरी दयालु प्रवृत्ति के थी और वो रानी राजकिशोरी अपने पीछे अपनी दो बेटियां कत्यानी और देवयानी को छोड़ गई हैं, जो दरभंगा के साथ GM रोड पर स्थित राज बंगले में रहती है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का दिया चैलेंज। तेजस्वी यादव आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए ट्वीट कर कहा है कि नीतीश कुमार 1995 में अपने दम पर विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरे थे तो मात्र 7 सीट उनके खाते में आई थी। 2014 में लेफ्ट के साथ उतरे तो मात्र 2 सीट आई। नीतीश कुमार यदि जीवन में कभी भी अकेले चुनावी मैदान में उतरेंगे तो प्रतापी चेहरों को दहाई के अंक में भी सीट प्राप्त नहीं होगी, यानी कि नीतीश कुमार खाते में 10 सीट भी नहीं आएगी। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में फ्लाई ऐश ईट उद्योग को प्रोत्साहित करने का किया ऐलान। उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के फ्लाई ऐश ईट निर्माताओं के वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार राज्य में फ्लाई ऐश ईट उद्योग को प्रोत्साहित करने वाली है, जिसके लिए सरकार की तरफ से हर संभव मदद मुहैया करवाई जाएगी। इसके साथ ही NTPC ने फ्लाई ऐश मिलने से हो रही कठिनाइयों के बाबत भारत सरकार से बातचीत का भी आश्वासन दिया है। वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि ईट भट्टा में हर साल सर्वाधिक 16 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता रहा है। फ्लाई ऐश ईट उद्योग को प्रोत्साहित करने का ही नतीजा है कि 2012 में जहां राज्य में मात्र एक फ्लाई ऐश ईट उद्योग था, वहीं अब इसकी संख्या बढ़कर 210 हो गई है।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील सिंह ने दिल्ली मॉडल के तर्ज पर बिहार के में चुनावी मैदान में उतरने का किया ऐलान। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाना शुरू कर चुकी हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी बिहार में किस्मत आजमाने जा रही है, जिसके तहत साल के अंत में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुनील सिंह ने हम बदलेंगे बिहार यात्रा के तहत बीते दिन कटिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहर के एक निजी होटल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन किया। साथ ही मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि बिहार में आम आदमी पार्टी दिल्ली के तर्ज पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। तेज प्रताप यादव ने महुआ छोड़कर हसनपुर में झोंकी ताकत। तेज प्रताप यादव ने आगामी विधानसभा चुनाव में अपना विधानसभा क्षेत्र बदल सकते हैं, जिसके तहत अब वो महुआ के बजाय हसनपुर से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं। जानकारों की माने तो तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। इसके लिए रोड शो का आयोजन भी कुछ दिनों पहले वहां पर किया था। वहीं महुआ विधानसभा से तेज प्रताप यादव ने दूरी बना ली है। यही वजह है कि वो समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा से अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जल्द ही पधारेंगे बिहार। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जारी तैयारियों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जल्द ही बिहार पधारने वाले हैं। मेरी जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा 11 या 12 सितंबर को पटना आ सकते हैं, जहां बिहार पहुंचकर वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। वहीं इस दौरान एनडीए में सीट शेयरिंग पर बात भी हो सकती है। खबरों की माने तो जेपी नड्डा नीतीश से मिलने के बाद लोजपा नेता चिराग पासवान से भी बातचीत करने वाले हैं। चुनाव में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की बात कुछ दिनों पहले ही चिराग पासवान ने कही थी। सीट शेयरिंग के संबंध में लोजपा की बात भाजपा से हो रही है। बेरोजगार के खिलाफ तेजस्वी यादव ने किया बड़ा ऐलान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, जिसके तहत उन्होंने बेरोजगारों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने सभी बेरोजगारों को एक साथ आने का आग्रह किया है, जिसके तहत तेजस्वी ने कहा है कि वो नई सोच के युवा हैं, इसीलिए समाज के हर तबके को एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वो तेजस्वी यादव ने 9 सितंबर को यानी कि आज रात 9 बजे घर की सारी लाइटें बंद करके 9 मिनट तक लालटेन जलाने का आह्वान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे खुद भी अपनी मां राबड़ी देवी के साथ इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे। लोजपा ने केसी त्यागी के बयान पर जताया आभार। इन दिनों बिहार की राजनीति में कहने को लोजपा और जदयू एक साथ गठबंधन में है, मगर दोनों के बीच की रस्साकसी साफ तौर पर सबके सामने आ गई है। इसी क्रम में बीते दिन जदयू के केसी त्यागी द्वारा लोजपा के साथ गठबंधन होने की बात को नकारने पर लोजपा ने आभार व्यक्त किया है। केसी त्यागी ने कहा है कि जदयू का गठबंधन भाजपा के साथ है, ना कि लोजपा के साथ, जिसके बाद एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है। इसी को लेकर लोजपा की तरफ से जदयू के इस बयान का जवाब दिया गया है। लोजपा प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा है कि लोजपा जदयू का गठबंधन नहीं हो रहा है, इसके साथ यह बताकर केसी त्यागी ने पार्टी पर उपकार किया है। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शायराना अंदाजे में लिया निशाने पर। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर बीते दिन एक बार फिर से राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि खो गया है नीतीश कुमार का वो पर्चा जिसे पढ़कर मांगते थे बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि अब तो दर्जा की नहीं करते हैं चर्चा, क्योंकि डबल इंजन सरकार में आती है लज्जा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे गया। जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव बीते दिन गया पहुंचे थे, जहां पहुंचकर उन्होंने गया के मानपुर स्थित पटवा टोली के दुर्गा स्थान में पटवा समाज के लोगों को समस्याएं सुनी है। साथ ही उन्होंने मानपुर जगजीवन कॉलेज के पास पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने लोगों एवं दूसरी पार्टी से जुड़े लोगों की पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। इसके साथ ही पप्पू यादव ने अपने संबोधन में 15 साल में जदयू और 15 साल में लालू सरकार के कमियों को भी गिनवाया है। वहीं उन्होंने यह भी दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बिहार में आएगी तो युवाओं को रोजगार मुहैया करवाए जाएंगे और बोधगया को टूरिस्ट प्लेस बनाया जाएगा। मंगल पांडे ने लालू परिवार के सामाजिक न्याय के नहीं चलने का किया दावा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन राजद को लेकर और खास करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लेते हुए कई बातें कही हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को खूब बेवकूफ बनाया है। राजद की दूसरी पीढ़ी अब लोगों को बेरोजगारी और आर्थिक न्याय के नाम पर गलत बयानबाजी देकर धोखा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन राज्य की जनता ऐसे जुमले को समझती है। उन्होंने आगे कहा कि राजद सुप्रीमो ने सामाजिक न्याय का चोला पहनकर ना सिर्फ बिहारियों को ठगकर बिहार का बेड़ा गर्क किया है, बल्कि बिहारवासियों के साथ धोखा भी किया है।
बिहार में 15 साल के एनडीए शासनकाल में कृषि और कृषकों की दशा बदलने का किया गया दावा। कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बीते दिन 15 साल बनाम 15 साल की रूपरेखा जनता के सामने रखी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि एनडीए के शासनकाल में बिहार में खेती और किसान दोनों की दशा में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि 2005 में पहले कृषि विभाग का कुल बजट 20 करोड़ था, जो कि आज बढ़कर 2400 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। हमारी सरकार ने कृषि रोडमैप बनाई है। पहले गेहूं की उत्पादकता 18.23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, उत्पादन 37.86 लाख मीट्रिक टन थी, जो एनडीए की सरकार में 28.40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन और 61.55 टन हो गई है, यानी कि दोगुनी से भी ज्यादा वृद्धि हुई है। अनिल कुंबले ने 8 आईपीएल टीम के लिए सिर्फ एक भारतीय कोच पर उठाए सवाल। इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर इन दिनों सभी टीम यूएई में अपना प्रैक्टिस सेशन पूरा कर रही है। वहीं इसी बीच 8 फ्रेंचाइजीज इस टीम में एकमात्र भारतीय मुख्य कोच अनिल कुंबले ने कोच को लेकर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत उनका मानना है कि यह आंकड़े देश में कोचिंग संसाधनों का सही प्रतिबिंब नहीं है। किंग्स इलेवन पंजाब के कोच अनिल कुंबले के अलावा आईपीएल के आगामी सत्र से जुड़े कोच को देखें तो रिकी पोंटिंग, ब्रेंडन मैकवेल, स्टीफन फ्लेमिंग, महिला जयवर्धन, ट्रेवर बेलिस, साइमन और एंड्रयू मैकडोनाल्ड है, जो भारतीय नहीं है। वहीं आईपीएल को लेकर के उन्होंने कहा है कि मैं आईपीएल में अधिक भारतीय कोच देखना चाहूंगा, यह भारतीय संसाधनों का सही प्रतिबिंब नहीं है। भारत के साथ 5G पर काम करने के लिए दो बड़े देश ने जताई सहमति। भारत, इजराइल और अमेरिका ने विकास वाले क्षेत्रों और अगली पीढ़ी की उभरती प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग से काम को आगे बढ़ाने की पहल शुरू कर दी है, जिसके तहत यह तीनों देश 5G संचार नेटवर्क पर मिलकर काम करने वाले हैं। आधिकारिक सूत्रों की माने तो तीनों देश एक पारदर्शी, खुले, विश्वसनीय और सुरक्षित 5G संचार नेटवर्क पर काम करने का प्रस्ताव पेश कर चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 साल पहले जुलाई 2017 की इजराइल यात्रा के दौरान लोगों के संपर्क पर सहमति बनी थी। विकास वाले और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में त्रिपक्षीय पहल यह साबित होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पप्पू कुमार, प्रहलाद जोशी, नीरज कुमार, वीके शर्मा, लाल बहादुर कुमार, विकी शर्मा, प्रभु जोशी, जयप्रकाश सिंह, नीतीश कुमार, कुमार रवि, प्रहलाद कुमार, सोनू कुमार, शंकर कुमार, सोनिया कुमारी, प्रीति कुमारी, मीनाक्षी सिंह, साहिल कुमार, लीला कुमारी, मीना कुमारी, आशीष कुमार, वीरेंद्र सिंह, सत्यम कुमार, आलोक कुमार, प्रशांत सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार तेजस्वी यादव की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पर आज रात 9:09 तक लालटेन जलाने का आह्वान सफल होगा या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा फेसबुक पर देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।